गुड मॉर्निंग, दिस इज मनोज कुमार शर्मा। टुडे वी डिस्कस न्यू टॉपिक्स ऑफ चैप्टर थ्री फॉर क्लास 9। पिछले टॉपिक्स में हमने डाल्टन से रिलेटेड उसकी थ्योरी और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और एटम्स की हमने डिफरेंट साइज से रिलेटेड हमने बात की थी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कुछ एलिमेंट्स जो डाल्टन्स ने प्रेस्क्राइब किए थे, उनके सिंबल्स, उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। ये कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं जो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिसको प्लेटिना कहा गया है, और मरकरी। डाल्टन ने ये कुछ सिंबल्स दिए थे जो उन्होंने जब डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी को जब दिया गया था। उसी के साथ साथ कुछ हम सिंबल्स और बात करेंगे जो कुछ एलिमेंट्स से रिलेटेड हैं। एल्यूमिनियम के लिए Al, आर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरोन B, ब्रोमाइन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, कॉपर Cu, फ्लोराइन F, गोल्ड Au। Au यहाँ इसका लेटिन वर्ड है जिसको हम ओरम भी बोलते हैं, ओरम भी कहा जाता है इसको। हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन का जो सिंबल है वह Fe फेरम से लिया गया है। लेड Pb प्लम्बस इसका लैटिन वर्ड है। मैग्नीशियम Mg, नियोन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम, ये कैलियम है इसका लैटिन वर्ड, सिलिकन Si, सिल्वर को लैटिन में अर्जेंटम Ag से रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद सोडियम को नेट्रियम, सल्फर S, यूरेनियम U, एंड जिंक Zn। तो ये हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? देखो, ईच एलिमेंट हैड ए कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास। प्रत्येक जो एलिमेंट होता है उसका एक स्पेसिफिक या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास से रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए गए थे, जिसमें ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इनका यूज़ किया गया था। लेकिन इनके बाद में लास्ट में इन 1961 आपके यूनिवर्सली ये जो एक्सेप्ट किया गया था एटॉमिक मास यूनिट को, जिसको हम AMU और इन उसको बाद में यूनिफाइड यू से सिंबलाइज किया गया है। इसके लिए कार्बन 12 आइसोटोप का यूज किया गया, उसको चूज किया गया एज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस। एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए कार्बन 12 को एज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए यूनिवर्सली उसको एक्सेप्ट किया गया था। अगर हम एटॉमिक मास के लिए हम बात करें तो एटॉमिक मास जो होता है, वन एटॉमिक मास जो यूनिट्स है वो आपके क्या होती है, तो वन एटॉमिक मास यूनिट इज ए मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली वन ट्वेल्थ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के वन ट्वेल्थ के मास के एग्जैक्टली उसके मास को उसका इक्वल मनाया गया है। यानी किसी भी एटॉमिक मास की यूनिट कार्बन 12 के वन ट्वेल्थ का जो मास होता है उसके इक्वल उसको रखा गया है। इसके लिए रिलेटिव एटॉमिक मास भी हम कह सकते हैं, तो द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रेस्पेक्ट टू एटम ऑफ कार्बन 12। तो ऐसे रिलेटिव एटॉमिक मास भी कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में ही निकाला गया है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास। ये एक प्रकार का एवरेज मास है ऑफ द एटम, किसी भी एटम का, एज कंपेयर्ड टू द वन ट्वेल्थ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 के
वन अपॉन ट्वेल्थ का जो मास होता है उसके कंपैरिजन में ये मास रखा गया है। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और उनके एटॉमिक मास दिए हुए हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोराइन 35.5, कैल्शियम 40। ये जितने भी एटॉमिक मास जो दिए गए हैं ये सारे के सारे एटॉमिक मास कार्बन 12th आइसोटोप जो यूज किया गया है उसके कंपेयर्ड में इनका एटॉमिक मास दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स एटोमिसिटी हमारे नए वीडियो में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।